हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो ऐदे वफा का एपिसोड 8 का पार्ट 1 आइए देखते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब जिस लड़की के साथ पहली मुलाकात में तुम थाने पहुंच गए, अगले दिन वहां शादी का पैगाम भी भेज दिया। ओके, मैंने बस अम्मी को ये बताया था कि हम पार्क में मिले थे बस। देखो यार, प्लीज छोड़ दो उनको। अगर तुमने भेज दिया तो इसमें डरने वाली क्या बात है। अब देखो, मुझे ना सिर्फ तुम्हारी जल्दबाजी से थोड़ा एतराज है। हम सिर्फ एक दूसरे का नाम जानते। देखो एटलीस्ट मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही जानती हूँ। अब तुम पता नहीं क्या कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरा घर भी तलाश कर लिया, रिश्ता भी भेज दिया। मैं किसी को स्टॉप नहीं करता हूँ। ओके, हम जब भी मिले हमेशा ही वो बाय चांस मिले। ओके, बस यू नो। अच्छा चलो ठीक है, आज ना बाय चॉइस साथ सफर करें, जान जाएंगे थोड़ा बहुत एक दूसरे। शारिक है? आधा दिन गुजर गया, अभी तक सो रहा है। उठ जा भाई। क्यों सोता रहता है सारा दिन? किसी नशे पे तो नहीं लगा दिया तुमने इसे? जेब में कुल्फी खाने के 5 रुपए लेते, नशा कहाँ से करेंगे? फिर तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? ये गुर्बत का नशा की गुर्बत का। सारी रात लालटेन की रोशनी में इल्म हासिल करने वालों की ऐसी आंखें होती है। लालटेन की रोशनी में इल्म हासिल किया होता ना तो 3 साल तक मैट्रिक ना फंसी होती। नहीं, कोई काला इल्म हासिल कर रहे हो तुम दोनों। कभी फोकर बना रही हो, कभी जादूगर। मैं शारे को उठाने आया था और तुमने मुझे ही लम्बा लटा दिया। यार चल मुंह पर पानी मार, वरना आप ही ने मुझे बंगाली बाबा जहां मुझे कर देना है। मैंने सोचा चलो बात भी हो जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे इतनी सी मुलाकात का मजा नहीं आया। मैं तो कहता हूँ रात रुक जा। अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। अब इजाजत दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा चल, जैसे तेरी मर्जी, सब ठीक हो जाएगा। तूने तो मेरी जिंदगी आसान कर, तेरी बड़ी मेहरबानी। कर दी ना, जाते जाते घर वाली बात। और शर्म करो, इसमें मेहरबानी वाली कहो जी। अभी तो अम्मी ने रोटी का इंतजाम किया है। और नहीं पता रे, जाना है। मैं तेरी मामी से कह आया था कि रात घर आ जाऊंगा। शाबाश, अब तो बड़ा से किक मार और मुझे लारी रेटे छोड़ा। होनी थी, हो गई यार। अब सारी उम्र इसी तरह आंखें दिखाता रहेगा तू।
क्यों? मैं चला जाओ। देख जाना सपने ही है किसी ना किसी। जो मैंने बातें की थी ना शायद तुम्हें समझ में नहीं है। मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी अना का मसला बना के तुझे अच्छी खासी रोटियां खत्म कर। देख आखिरी बार कह रहा हूँ चला जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। क्या कर लेगा वही जो शाहजहां के साथ किया था। उसको तो एक थप्पड़ मारा था। तुझे इतने मारूं तेरे चपड़े टूट जाएंगे। अरे रे सपना देख रहा भाई। ठीक है सपना सोच रहा था। अब मुझे खुश करने के लिए कभी तो आप चौंक जाया करें। तुम कुछ चौंकने वाला काम करो तो मैं चौंकूं। तुम बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे पास बस यही एक चीज़ है। चलो सामने आओ। देखो मैं तुम दो महीने में तुम कैसे हो। देख आपको पता किस बात का थैंक यू सर। इज दैट यू? इधर आओ। अच्छा बाबा बुला। अरे यार ही एक एयरपोर्ट पे मौजूद है जहां आपको बहुत सारे जहाज दिखाई देंगे। ये देखिए किसी का बाप है किसी का चाचा है किसी का ताया है।
इन सब का कोई ना कोई नाम है, लेकिन हम इन्हें जहाज पोकर F-16 कह के बुलाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाहौर के दरवाजों की तरह हमारे मजाक सेलिब्रिटी बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम इनका मजाक उड़ाते हैं, इन पे जुगत लगा के मुस्कुराते हैं, लेकिन हकीकत में इनको हमारे मजाक और हमारी जुगत की कोई जरूरत नहीं। इनको जरूरत है हमारी इंसानियत। हम इन पे बातें करते हैं, लेकिन असल में हमें इनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे बात करने से ये जिंदगी की तरफ वापस आ सके, जिंदगी को महसूस कर सके। तो आइए आज इन सब से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बात बन जाए। आइए मेरे साथ। क्या बात है, और उधर से भी प्रॉब्लम आई मेरे को लगता है। वो तो आएगी मतलब अगर ये गुस्से में बोल दिया इसके लिए मैंने भेजा है ये वो तो प्रॉब्लम है फिर। देखना होगा आगे क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।